अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू घरेलू पकवान। आज हम बना रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड। इसके लिए ये वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लेकर हूँ। ये 5 टेबलस्पून ऐसा 5 लेकर हूँ। ये 1 लीटर दूध, ये 6 टेबलस्पून ये चम्मच से शक्कर लेकर हूँ। ये नंदिनी का खवा, इसमें का ये 200 ग्राम का पैकेट है, आधा डालती हूँ मैं, 100 ग्राम होता। ये 1 कप दूध लेकर हूँ, ये ठंडा दूध गर्म करको ठंडा हो गया, सो ये कस्टर्ड में डाल को मिला लेने के वास्ते। मैं 1 लीटर दूध डाल को रख ली है, गर्म होने उबाल आए तक गर्म होने ये। अच्छा, उबाल आए बाद इसमें मैं शक्कर डाल को मिक्स कर लेती हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले नए दोस्तों से गुजारिश है, सब्सक्राइब करना ना भूले। देखिए ये 100 ग्राम होता भाई खवा ले लियो नंदिनी का, अब उसमें शक्कर दाल को भाई मिक्स कर लेती हूँ। दूध गर्म होने का गए, शक्कर ऐसा मिक्स कर लिया तो जल्दी घुलता है खवा। ये बची हुई शक्कर भी मैं उसमें डाल लूँ। मीठा बोले तो मीठा बराबर है, या तो कस्टर्ड कौन सा भी मीठा हो दे, उसे शक्कर या गुड़ कहीं में बना रही हूँ वो बराबर डाले तो क्वांटिटी अच्छा मीठा रहता। सो दूध दूध में अच्छा उबाल आ रहा है, अब मैं इसमें ये खवा डाल लेंगे। ये अच्छा घुले बाद वेनिला का कस्टर्ड दूध में मिक्स कर लेको, वो भी मिला लेती हूँ मैं इसमें। दरा दरा दूध डाल लेको, मिक्स कर लेती हूँ। मैं 1 कप पूरा दूध डाल लेको, मैं अच्छा मिक्स कर लियो। रहती भी क्या अभी गुटलिया नहीं है, अभी से मैं दूध में डाल को आंच फ्लेम कम रखी हूँ मैं। दूध पक्को उबल गा, अभी इसमें डाल को मिला लेती हूँ। ये अच्छा हलाते रहना, ये डालिए तो मिक्सचर कस्टर्ड का, इतने तो लमसा जाती है इसमें, डले डले हो जाती। ये जरा पकना, जरा अच्छा पके तक हला दल को बंद ऑफ कर सकती। ये अच्छा खल खल पका तो ऑफ कर दा ले जा, अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, बंद कर रही हूँ। अब ये ठंडा हुए बाद इसमें फ्रूट डालेंगे, तब तक ये ठंडा होने फ्रूट मिर्चा को काट लेती हूँ मैं। शतल में से कस्टर्ड में बाउल में डाल लियो, निकाल लियो। अब इसमें ये एप्पल ले 1 बाउल भर को, अनार रे ये दरे 1-2 टीस्पून होता, 2 टेबलस्पून होता मुने खाले को। ये अंगूर, ये बादाम दरा कट करके रख लियो, ये 4 मौजा कट करके रख लियो, छोटे मौजे। ये सभी दाल को अब मिक्स करना। अंगूर हिंग करको अभी मुनेखा भी जरा कमी चली हो, ये भी वो भी हो जाता है करको। अच्छा इसमें मिक्स कर लेना। ये अब देखने ये घट्ठे कस्टर्ड दरा खुद रखो भी खाई जा, हमें कोई से भी मेहमान आए तो भी हमें रखो दे सकती। अब जरा पानी कर लिया तो रहती कम दाल को कस्टर्ड पाउडर है, तब का तो फिनिश करवा।
माउस में लास्ट में डाल रही हो कि कतो माउस डाले बाद बनाना डाले बाद पानी छो हो जाता रहती पतला हो जाता कस्टर्ड। अच्छा मिक्स करने के बाद देखे ऐसा है। अब इसमें बनाना डालना, बनाना कट करके रखी हो, एक में दो पीस ऐसा आधे हाफ मून के सरीका कट करके रख लियो। ये पूरा दाल ले रही हूँ मैं। अगर कौन का भी स्पेशल गेस्ट आ गए घर में यानी दामाद आ गए सभी ये पक बना कर दे सकती। नए नए पकवान ये इफ्तारी में भी बहुत अच्छा रहता है। ये इफ्तारी स्पेशल में आज बना रही हूँ सो ठंडा ठंडा फ्रिज में रखो, ठंडा करको इफ्तारी में सर्व कर ले सकती। अगर अब धूप का ला समर डेज में ये ठंडे चीज़ा होना, आइस होना, कस्टर्ड होना का तो ये सब बना कर रख ले को सर्व कर ले सकती। मैं कटे हुए बादाम की दाल को पिस्ता है या तो भी डाल लिए जा ऑप्शनल है, मैं बादाम दाल को सर्व कर रही हूँ। देखे अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग घरेलू पकवान।